हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। कॉन्सेप्ट ऑफ बायोलॉजी में आपका स्वागत है। मैं मदन कुमार सुमन और आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ नीट से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस के बारे में। कृपया ध्यान से सुनिए, नीट के लिए और बोर्ड के एक पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला क्वेश्चंस के बारे में बात करता हूँ। क्वेश्चंस है, सिंगल सेल एनिमल्स आर सेड टू बी इमॉर्टल बिकॉज दे ग्रो इंडिफिनिटली इन साइज, दे कैन टॉलरेट एनी डिग्री ऑफ चेंजेस इन टेम्परेचर, दे कैन रिप्रोड्यूस थ्रू आउट देयर लाइफ स्पैन, दे कैन कंटिन्यू टू लिव एज अ डॉटर सेल्स। इसमें देखिए कौन सा आंसर सही होगा। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सिंगल सेल एनिमल। सबसे पहली बात क्या होता है, कहता है नो इंडिविजुअल इज इमॉर्टल एक्सेप्ट सिंगल सेल एनिमल। और सिंगल सेल एनिमल में जो नाम आता है उसमें क्या क्या नाम हम लोग लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं अमीबा, पैरामेशियम, ये सभी जो है वो क्या है, सिंगल सेल एनिमल है। इसमें डिवीजन जो होता है वो होता है कैसे, तो माइटोसिस के थ्रू इसमें डिवीजन होता है और फिर एक सेल्स जो है वो दो सेल्स में बन जाते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर होता है पूरा, और ये जो बनते हैं ये तो डॉटर सेल होते हैं, फिर दोबारा डिवाइड करता है, इस प्रकार से बनेंगे सेल्स जो है, ये से भी डॉटर सेल्स बनाएंगे। तो ये जो है अमीबाइटिस ड्यू टू द फैक्ट दैट दे डिवाइड एंड कंटिन्यू टू लिव एज देयर डॉटर सेल्स, ये हमेशा डॉटर सेल्स के ही फॉर्म में रहेंगे करके। तो जो इसका अप्रोप्रियट आंसर रहेगा वो होगा डी नंबर, बिकॉज नो पार्ट ऑफ द सिंगल सेल एनिमल सेनेसेंट और नो पार्ट ऑफ द सिंगल सेल एनिमल इज लेट टू डाई, सो इट विल रिमेन एज ए डॉटर सेल्स। थैंक यू फ्रेंड्स। नेक्स्ट के बारे में बात करते हैं, नंबर टू, क्वेश्चन नंबर टू के बारे में। क्वेश्चन नंबर कट है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ क्लोन ऑफ बैक्टीरिया। देखिए इंपॉर्टेंट वर्ड लिखा है क्लोन। क्लोन क्या है, जो कि मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली सिमिलर होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं क्लोन। तो यहाँ पे जो बिल्कुल सिमिलर दिखाई पड़ेगा वो कौन सा होगा, तो बाइनरी फिजन होता है, जब जिसमें कौन सा डिवीजन होता है, तो माइटोसिस डिवीजन होता है। बिल्कुल क्रोमोसोम नंबर रिमेन्स अनचेंज्ड, क्रोमोसोम नंबर सेम होता है करके, और दो पार्ट में पड़ता है बाइनरी फिजन्स में। बाइनरी फिजन डिवाइड इंटू टू हाफ्स है एंड ईच हाफ फॉर्मिंग इंडिपेंडेंट डॉटर ऑर्गेनिज्म। बाइनरी फिजन इन्वॉल्व माइटोसिस, ठीक है, रिजल्टिंग ऑफ स्प्रिंग आर जेनेटिकली आइडेंटिकल टू द पेरेंट ऑफ फिजन, इसलिए जो यहाँ पे आंसर होगा वो कौन सा होगा, बाइनरी फिजन्स, ठीक है, क्लोन बना रहा है करके। तो सर कौन सा, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज सीन इन द मेंबर ऑफ किंगडम, कौन कौन से किंगडम में ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दिखाई पड़ेगा करके। पहला है मोनरा, दूसरा है प्लेंटी, तीसरा है एनिमेलिया, चौथा है ऑल ऑफ दिस अबव। तो हम देख रहे हैं कि मोनेरा जो होता है जिसमें कि बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन अलगी होते हैं, इसमें भी होता है बीजीए, इसमें भी होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। प्लांटी वाले ग्रुप में जो ऑल प्लांट्स होते हैं उसमें लोअर प्लांट्स होंगे, उसमें भी होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एनिमेलिया वाले किंगडम में, किंगडम एनिमेलिया के बारे में बात करते हैं, यहाँ पे भी जो लोअर एनिमल्स होते हैं वहाँ पे भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। इसका मतलब इसका जो आंसर होगा वो आंसर होगा आंसर नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है फ्रेंड्स। और क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कंसिडर्ड मोर बेनिफिशियल देन द ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड यहाँ पे कह रहा है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो मोर बेनिफिशियल है देन ए सेक्सुअल। किस वजह से कर रहा है, कहता है इट इज़ नॉट अफेक्टेड, सबसे पहले तो मोर बेनिफिशियल के बारे में समझना है, इट इज़ नॉट अफेक्टेड बाय द एडवर्स इन्वायरमेंटल कंडीशन, फर्टिलाइजेशन इज ए चांस फैक्टर, इट रैपिडली मल्टीप्लाइज द पॉपुलेशन, इट असिस्ट इन द इवोल्यूशन बाय प्रोड्यूसिंग वेरिएशंस। इसमें समझने वाली बात यहाँ पर फ्रेंड्स है कि जो होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन उसमें क्या होता है, मियोसिस होता है, मियोसिस होगा, और मियोसिस शो करता है जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, या इसको हम लोग बोल सकते हैं ये शो करता है वेरिएशंस को, वेरिएशंस लीड्स टू द इवोल्यूशन। तो जो इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर होगा वो होगा इवोल्यूशन। इट इज़ यूजुअली बायपेरेंटल, ये जो होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसा होगा, ये बायपेरेंटल होता है। डॉटर ऑर्गेनिज्म जनरली डिफरेंट फ्रॉम द पेरेंट्स ड्यू टू द मियोसिस, ड्यू टू द वेरिएशंस, ड्यू टू द जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन विच प्लेज ए इंपॉर्टेंट रोल इन द इवोल्यूशन। तो जो इसका आंसर होगा वो होगा डी नंबर आंसर। फिर एक क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, लास्ट क्वेश्चन देखने जा रहे हैं फाइव नंबर का। हम लोग फिर अगले क्लास में डिस्कस करेंगे फाइव मोर क्वेश्चन को। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द इनकरेक्ट आंसर्स। कुकरबिट्स एंड कोकोनट्स आर मोनोसियस प्लांट, कहता है ये मोनोसियस प्लांट है। मोनोसियस प्लांट मतलब कैसा हो गया, मोनोसियस का प्लांट का मतलब हो गया बायसेक्सुअल प्लांट, ये बायसेक्सुअल प्लांट नहीं है, हम लोग जानते हैं। पपाया एंड पाम डेट आर द डायोसियस प्लांट, डायोसियस प्लांट को बोलते हैं हम लोग यहाँ पे यूनिसेक्सुअल प्लांट, यूनिसेक्सुअल ये भी प्लांट नहीं है। लीच एंड टैफर्न्स आर द बायसेक्सुअल, ये भी नहीं है, तो हर्मोप्रोडाइट है। स्पॉन्ज एंड सेलिब्रेट आर यूनिसेक्सुअल, यहाँ पे ये ऑप्शन जो है वो इनकरेक्ट दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि स्पॉन्जेज जो हैं एंड सेलेंट्रेटा जो हैं वो यूनिसेलर तो नहीं है, वो कैसे हैं तो वो हर्मोप्रोडाइट हैं, और वो कैसे हैं तो बायसेक्सुअल है। हर्मोप्रोडाइट का मतलब था जितने मेल एंड फीमेल दोनों एक ही ऑर्गेनिज्म में रहे, इस वर्ड को हम बोलते हैं हर्मोप्रोडाइट। तो ये जो स्पॉन्जेज एंड सेलेंट्रेटा दिखाई पड़ रहे हैं ये कैसे होंगे, तो ये हैं हर्मोप्रोडाइट,
हर्माफ्रोडाइटी, या इसी का दूसरा नाम हम बोल सकते हैं कि ये कैसे प्लांट है, तो ये है बायसेक्सुअल। ये पे कैसे ऑर्गेनिजम्स हैं, ये कैसे एनिमल, तो बायसेक्सुअल एनिमल में जिसमें मेल एंड फीमेल दोनों एक ही में रहते हैं करके। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।